सो हेलो स्टार्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग ये कि अभी बज रहे सुबह के 6 और मैं स्नेहादी जा रहे हैं पत्रिका गेट, क्योंकि मुझे इस वाले सूट पर बनवानी थी वीडियो। और शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है वीडियो बनवाने में। और फिर दोपहर हो जाती है, इसीलिए सिर्फ वीडियो के लिए मैं 5:30 बजे की उठी हुई हूँ। और स्नेहादी को भी उठा दिया मैंने जल्दी, देखो स्नेहादी ये रहे, मैं तो डेली उठ जाती हूँ जल्दी। बस बस देखो, अभी हम यहाँ पे ना ऑटो का वेट कर रहे थे, लेकिन इसको ये है कि जब तक ऑटो नहीं आ रहा तब तक मेरी वीडियो ही बना दो, कहीं पे भी शुरू हो जाती है। और जबकि हम स्पेशली जा रहे थे अपनी वीडियो बनवाने, फिर भी इसको वीडियो बनवाने। पहुंच चुके हैं पत्रिका गेट, और आप यकीन नहीं करोगे, हम सोच के आए थे कि सुबह सुबह बहुत कम भीड़ होगी यहाँ पे। और मैं अभी दिखाती हूँ आपको, रुको, यहाँ की भीड़ देखो, देखो यहाँ मैं कैसे वीडियो शूट करूंगी यार, कितना ऑकवर्ड होगा मेरे लिए। आई विल शूट योर वीडियो, चलो जल्दी बेइज्जती मरवाएंगे और कुछ नहीं, सब लोग ऐसे कहेंगे आ गई सुबह सुबह ऐसे तराने यहाँ पे। पत्रिका गेट की हालत देख रही है, सुबह 7 बजे की हालत है, धूप देखो कितनी ज्यादा है और भीड़ तो इतनी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मेरे को तो अपना ट्रांजिशन करना है, मेरी आधी जिंदगी 1 घंटे से हम लोग बना रहे थे वीडियो, फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए, तब जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ ताकि कम्फर्टेबल रहे मेरे को ब्लॉग बनाने में। पत्रिका गेट एंड वी आर टेकिंग एंट्री इन दिस मेन, जो सारे लोग वीडियोस बनाते हैं वो इस जगह बनाते हैं। इस गेट के सामने लोग वीडियोस बनाते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है पत्रिका गेट, फिर उसके सामने जाके एक पार्क है बहुत बड़ा। ये स्नेहादी खड़ी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कितने सारे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। पार्किंग एरिया भी इतना भरा हुआ है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। इस पार्क में सुबह सुबह लोग वॉक करने आते हैं। आओ लेके चलते हैं अभी आपको पत्रिका गेट के अंदर, और क्या क्या है यहाँ पे, मौसमी का जूस ये भी दिखाऊं। मेन तो पत्रिका गेट यही है, यहाँ से लेके और वो वाला जो मैंने आपको दिखाया था, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक गार्डन जहाँ पे लोग सुबह सुबह वॉक करते हैं। यहाँ पे ये पार्क है, आओ इस न्यादी गौर में सुबह सुबह चला रही हूँ। बस यहाँ पे तो ये पार्क ही है जहाँ पे ऐसे ही बैठ जाते हैं। और इतनी गर्मी हो रही है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं ब्लॉगिंग करूँ तो करूँ कैसे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत सच्ची में। अब ऐसा मन कर रहा है कि जाओ रूम पे जाके लेट जाओ कूलर में, इतनी बेकार हालत हो रही है। जयपुर की गर्मी बहुत ठंडी है। हाँ यार, मैंने देख लिया आज सुबह 6 बजे भी ऐसी उमस, इतना ही है उसके बाद तो वो है पार्क ही है घासी घास। तो चलते अभी आपको मैं लेके चलती हूँ तोरण गेट, जो अभी अभी ओपन हुआ है यहाँ पे, और इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा वाइट वाइट। जब मैं जयपुर आई थी तो यहीं पे एक्सरसाइज करने आती थी, यहीं पे एक्सरसाइज करने आती थी ये, तभी ये एक्सरसाइज का सर है। 3 दिन ही आई थी बस। हाँ वही तो कह रही हूँ, सिर्फ 3 दिन ही आई थी। अभी चलो और अभी चलते। आज मुझे सबसे पता लगा है कि यहाँ पे इतने सारे लोग भी एक्सरसाइज करने आते हैं। लोग ऐसा लग रहा है जैसे सब 5-4 बजे उठ के आ गए हों। ऐसा लग रहा है, मेला लग रहा हो, मेला लगा हो, मेला देखने जैसे सेल लग रही हो और लोग लूटने आ गए, ऐसी हालत है यहाँ पे। तोरण गेट में तो सिर्फ इतनी सी चीज है, सिर्फ सामने का व्यू,
आगे पीछे कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ से निकलते हुए जाएंगे बैक साइड, और ये वाला जो पार्क है ना वो पत्रिका गेट और तोरण गेट से कनेक्टेड है। ये पूरा पार्क पत्रिका गेट से स्टार्ट होते हुए आ रहा है, एंड ये है बैक साइड का व्यू तोरण गेट का। पत्रिका गेट का ही आ रहा है? हाँ वही तो कह रही हूँ, ये पूरा जो गार्डन है वो वहीं से कनेक्टेड है। पत्रिका गेट का पार्क बहुत बड़ा है। हाँ आओ, बस यहाँ पे दिखाने को तो बस यही था। अभी चलते हैं और चल के कुछ खाते हैं। WTP तो उन्होंने देख रखा है। चलते हैं कुछ खाते हैं, और सबसे बड़ी चीज पूरी एक बोतल पानी पीनी है मुझे। इतना BP ऐसे हाई लो हाई लो हो रहा है, पूछो मत। और यहाँ वीडियोस के चक्कर में अभी हम ठुक जाते, गाड़ी वाला मैं ठोक के चला जाता। तभी दीदी वापस चलते हैं, पोए खाते हैं, पोए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑफ जयपुर स्टूडेंट। चलो पानी मिल चुका है मुझे, तो दो दिन से वैसे ही बीमार हूँ, बुखार BP लो सब कुछ हो गया, ऊपर से घूमने आना पड़ता है व्लॉग्स के लिए, और ये ऐसी चीज़ है जिसमें मैं रेस्ट भी नहीं ले सकती एक भी दिन का। अब मेरी हालत देखो, ये तो पागल बनाती हैं और कुछ नहीं, इनकी हालत कुछ नहीं है। इन लोग एक सेकंड तपती हुई इन लोगों के इन लोग टेक लेना वीडियो पे, इन लोगों के रूम पे ना तो पानी मिलता है ना खाना मिलता है ना कुछ मिलता है, सब मिलता है, इसकी नाटक ज्यादा है। मेरे कोई नाटक नहीं है, एक बात बताओ, सुबह सुबह पानी नहीं आता इनके रूम पे, पिए क्या? सुबह सुबह आ जाता है 6 बजे तो थी। हाँ पागल बना रही है। अभी मैं और उसके साथ ही खाएंगे यहाँ पर पोए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और अभी सिर्फ 7:30 बज रहे हैं, और 7:30 बजे भी इतनी भीड़ और इतनी धूप है ना, बहुत ज्यादा पागलों जैसी हालत हो रही है। फाइनली पोहे आ चुके हैं, और स्नेहादी को देखो बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ है। जो जयपुर में मिलते हैं सारे बच्चे यही खा खा के कोचिंग और स्कूल जाते हैं, जो भी PG स्टूडेंट होते हैं। इसको आ रहे हैं यहाँ पे चक्कर, इसकी हो रही है तबीयत खराब बहुत ही ज़्यादा, इससे मैंने मना करी थी कुछ दिन व्लॉग मत बनाए, लेकिन इसकी तो ये है ना कि जयपुर आई हूँ तो व्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा, जयपुर आई हूँ तो व्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा।